क्रिसमस। अरे अरे यहाँ पर क्या पानी में क्या कर रहे हो? चलो अपने कमरे में, सब बीमार हो जाओगे। और ये नट्टू भाई कहाँ गए? जब जरूरत ये गायब हो जाते हैं। ये क्या राजकोट में पी थी और अभी नट्टू भाई जामनगर में आकाश के फटने से। अरे कांता बेन, सुना आपने? गोधरा में 14 इंच बारिश हुई, राजकोट में 20 इंच हुई और जामनगर में तो आकाश फट गया। और आपको पता है कि यहाँ पर हमारे आश्रय की छत फट गई? अरे अंदर पानी बह रहा है, बच्चे तो स्विमिंग कर रहे हैं और आप यहाँ पर आराम से रेडियो सुन रहे हैं। चलिए अंदर सबकी मदद करिए, चलिए। सारे बच्चे भीग गए। क्या हुआ नट्टू भाई? मैं नहीं रोया। तो आपके रेडियो से आवाज आ रही है? नहीं नहीं, रेडियो तो बंद है। तो ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रही है बेन। इतनी बारिश में बच्चा रो रहा है? अरे जाकर देखिए ना कहाँ है बेचारा। देखता हूँ बेन। जाइए जाइए। ओहो है ना बेन। कैसे जाली माँ बाप होंगे इसके जो इसे मरने के लिए छोड़ दिया। अरे ये तो भगवान की कृपा है, हमारे आश्रय के सामने ही आ गया। हाँ। चलो मैं इसे संभालती हूँ। आप दूसरे बच्चों को पानी से तो निकालिए। हाँ बेन देखता हूँ। अरे रे भीग गए। हाँ अरे नहीं रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं। हाँ अरे नट्टू भाई। हाँ बेन, अरे जरा जल्दी आइए ना आश्रय में, आज आपका छोटा सा भाई आया है। अरे वाह बेन, ये कौन है? ये कृष्णा है। मेरा कृष्णा, हम सबका कृष्णा। कृष्णा? लेकिन बेन कृष्णा है क्यों? याद नहीं नट्टू भाई, किस तरह भगवान श्री कृष्ण मिले थे अपनी माँ यशोदा से? अरे हाँ याद आया। हाँ बच्चों, उस रात भी ऐसी तेज बारिश हो रही थी जब भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से मिलने आए थे। नट्टू भाई, मिलने आए थे नहीं, लाए गए थे। हाँ लाए गए थे। लाए गए थे? कहाँ से? जानना चाहते हो तुम लोग कैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, कैसे मिले थे वो अपनी माँ यशोदा से? हाँ बेन बताइए ना। अच्छा तो सुनो, ये उस समय की बात है जब मथुरा में कंस का राज था। उस रात भी ऐसी ही तेज बारिश हो रही थी। महाराज आप चिंतित क्यों हैं? तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि देवकी की गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान मेरे लिए काल बनेगा और आज देवकी 8वीं संतान को जन्म देने वाली है। मेरा मन बड़ा व्याकुल है,
और ऊपर से ये प्राकृतिक आपदा, ऐसी तेज एवं मूसलाधार वर्षा मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है कि यह वर्षा पूरे के पूरे मथुरा को अपनी गोद में समा लेना चाहती है। आप सर्वशक्तिशाली हैं भगवान, देवताओं को भी वश में कर लेने की शक्ति है आप में। जिस तरह आपने देवकी की 7 संतानों को मृत्यु लोक पहुंचा दिया, उसी तरह आप उसकी 8वीं संतान का भी विनाश कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप निश्चिंत होकर अपने शयन कक्ष में जाएं और विश्राम करें। नहीं, जब तक मैं उस 8वीं संतान को स्वयं अपने हाथों से मृत्यु लोक नहीं पहुंचा देता, तब तक मेरी आंखों में नींद कहां। जाओ और देख कर आओ देवकी को। जो आ गया। ध्यान रहे, जैसे ही देव की संतान को जन्म दे, उसकी सूचना तुरंत राजमहल में दी जाए। जो आ गया। महाराज की जय हो। महाराज, आप निश्चिंत रहें, मुझे नहीं लगता कि देवकी को आज संतान होगी, इसलिए आप निश्चिंत होकर आराम कीजिए। वैसे भी हमारे सारे सैनिक और सिपाही पहरे पर हैं। ध्यान रखना। देवकी, तुमने पुत्र को जन्म दिया है। ये देखो, ये हमारा 8वां पुत्र ही कंस का काल बनेगा। किंतु चिंतित मत हो देवकी, मैं इसे गोकुल पहुंचा कर आता हूं। मैं धन्य हो गया प्रभु। हे प्रभु, मैं इस उपनती हुई नदी को कैसे पार कर पाऊंगा? आपका ये उपकार कैसे चुका पाऊंगा? कैसी बातें करते हैं आप, ये तो प्रभु की इच्छा है। अरे तो कैसी लगी कहानी तुम सबको? बहुत अच्छी लगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण मिले थे अपनी माँ यशोदा से, ठीक उसी तरह ये छोटा सा कृष्णा मिला हमारे आश्रय को। Just like that! Om Namo Nam Krishna Gopala Om Namo Nam Krishna Gopala Om Namo Nam Krishna Gopala Kanhari Basuriya Bajaye Anand Aaye Om Namo Nam Krishna Gopala Om Namo Nam Krishna Gopala Kanhari Basuriya
बजाए आनंद आए कान्हारे बांसुरिया बजाए आनंद आए मन ही मन मुस्कान हरे बांसुरिया बजाए आनंद आए कान्हारे बांसुरिया बजाए आनंद आए ओम नमो नमः कृष्ण गोपाला तीन कन्हैया मटकी फोड़ के माखन खाए कूद के अमोना की गोदी में कूद के अमोना की गोदी में काली नाग से मुक्ति दिलाए कान्हारे बांसुरिया बजाए आनंद आए हरे बांसुरिया बजाए आनंद आए अरे पापड़ सुत गई रहे उभरो पूरी से आज तुम लोग करे अरे रुको हे एमो छोड़ नहीं मुझे हाथ जोड़ के विनती करते हैं मित्र सुदामा गलती न होए रथ पर बैठ के अर्जुन को रथ पर बैठ के अर्जुन को विष्णु रूप के दर्शन होए कान्हारी बांसुरिया बजाए आनंद आए कान्हारे बांसुरिया बजाए आनंद आए ओम नमो नमः कृष्ण गोपाला 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 अरे कृष्णा 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 सर सो एवरीथिंग इज नॉर्मल जस्ट गिव हिम 1900 एनर्जी ओके ओके सर अब कैसा है कृष्णा आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा आधे घंटे में नॉर्मल हो जाएगा इसे हुआ क्या है डॉक्टर एक्चुअली इसे एपिलेप्सी की बीमारी यानी मिर्गी की क्या आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है इंडिया में हर 100 में से एक आदमी को यह बीमारी है और साथ में ये फैक्ट भी है कि इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कई सारे मेडिसिन अवेलेबल हैं सो प्लीज डोंट वरी ओके अच्छा बस आपको इस बच्चे की थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी दैट्स ऑल ओके ओके कृष्णा नटू भाई बेन सब ठीक हो जाएगा कृष्ण भगवान सब ठीक करेंगे हा? अरे कृष्णा तुझे पता है तू कल डांस करते करते बेहोश हो गया था अरे जल्दी करो नट्टू भाई आ गए हैं सच्ची मैंने अपनी आंखों से देखा जितने बड़े बड़े उसके बाल उतने उसके बड़े बड़े दांत बाल जितने बड़े दांत मैंने भी देखा था उसके पैर भी उल्टे थे रोज रात को आता है वो अच्छा रोज रात को आता है वो कालीचरण हाँ रोज रात को आता है वो भूत यहाँ पे आज भी आएगा वो कालीचरण
आज तो नहीं बचेंगे नट्टू भाई। हाँ? मतलब आज नट्टू भाई का लास्ट डे है? एकदम लास्ट डे। काली चरण। कहाँ जा रहे हैं आप नट्टू भाई? बेन वो बच्चे अंदर बीपी की बातें कर रहे हैं। बीपी की बात मतलब? भूत प्रेत की बातें कर रहे हैं। ओफो नट्टू भाई, आप तो बच्चों से भी ज्यादा बच्चे हैं। अरे वो जानबूझ के डराते हैं आपको, जस्ट लाइक दैट। नट्टू भाई चलिए बच्चों को दवा देनी है, चलिए। टेम्पो, तू नट्टू भाई को क्यों डराते रहता है? क्या बेन, क्योंकि नट्टू भाई तो हमेशा ये कहानियों से डरते ही रहते हैं, इसलिए। देखो झूठी कहानी बताना अच्छी बात नहीं है। हाँ लेकिन बेन, कहानियाँ तो झूठी ही होती है ना। हाँ। तो तुम भी इनकी गैंग में शामिल हो गए। हाँ चलो ये पकड़ो। ये लो। मैं ये दवाई क्यों खाऊं? मैं बीमार थोड़ी ना हूँ कि मैं ये दवाई खाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा ये दवाई। हाँ हाँ, तो तुमसे किसने कहा कि तुम बीमार हो? अरे ये तो कैल्शियम की टैबलेट है, कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, जस्ट लाइक दैट। चलिए नट्टू भाई सारे बच्चों को कैल्शियम की टैबलेट दीजिए। मैं? हाँ। अरे एक गुड न्यूज, कल हमारी दिया का हैप्पी बर्थडे है। कल हम लोग बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। अच्छा नट्टू भाई, सबको टैबलेट खिला के लाइट बंद कर देना, ठीक है? एक मिनट बेन, आप दो मिनट रुकिए ना, मैं सबको अभी गोली खिला देता हूँ। नट्टू भाई बेन प्लीज। अरे क्या डरते रहते हैं, मैं टैबलेट यही छोड़ कर जा रहा हूँ, तुम लोग आपस में मिलकर खा लेना। भाग भाग, रन ले ले। अरे यार रन ले लेता तो। बिन, एक बात पूछूं, ये भूत सच में होते हैं क्या? नहीं नहीं, आपने देखा है कभी? नट्टू भाई चलिए सब रेडी है, बच्चों को बुलाइए, चलिए। अच्छा बच्चों आ जाओ यहाँ पे, संस्कार गोलू विटामिन, आ जाओ बेटा, आ जाओ दिया बेटा, हैप्पी बर्थडे। चलो सब आ गए। हाँ। अरे टेम्पो तू अकेले कहाँ से आ रहा है? कृष्णा कहाँ है? बेटा पी लो, कड़वा नहीं है। कृष्णा, ए कृष्णा, अरे ए कृष्णा, क्या हुआ? सुना नहीं दे रहा, कब से मैं चिल्ला रहा हूँ, चल बहन बुला रही है। अरे इतना क्यों चिल्लाते हो? वन बाय वन, वन लो, कहाँ चला गया था तू? हाँ, और हमेशा टेम्पो के साथ रहना, समझा ना? विटामिन, संस्कार। तुझे मम्मी पापा कब मिलेंगे? मम्मी पापा? अरे तुझे अचानक मम्मी पापा क्यों चाहिए? इधर इधर इधर, मैं हूँ ना तेरी मम्मी पापा सब कुछ। फिर मेरे प्यार में कोई कमी रह गई क्या जो तू ऐसा सोच रहा है? नहीं, लेकिन फिर भी मुझे मम्मी पापा चाहिए। मुझे मम्मी पापा नहीं मिलेंगे? अरे मिलेंगे ना, जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे तुझे? अरे तुझे क्या, हर बच्चे को मिलेंगे अच्छे अच्छे मम्मी पापा, प्रॉमिस। हाँ, और ये बात गारंटी से कह रही है बेन। हाँ। लेकिन संस्कार को तो मम्मी पापा नहीं मिलेंगे क्योंकि ये काला है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते, सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं बोलते, काला नहीं है सांवला है, भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही रंग के थे, और पता है वैसे भी सारे रंगों का अपना इम्पोर्टेंस होता है। एक बार ना सारे रंग झगड़ने लगे, नीले रंग ने कहा मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ इसलिए आसमान का रंग नीला है, तो फिर हरे रंग ने बोला चल हट, तू नहीं मैं इम्पोर्टेंट हूँ, इसलिए तो हर पेड़ हर फूल की पत्ती का रंग हरा है। ऐसे ही लाल पीला नारंगी
सब कह रहे थे मैं तुझसे अच्छा हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। तभी वर्षा ऋतु उनकी बात सुन रही थी। उसने कहा तुम सब अपनी जगह इम्पोर्टेंट हो। तभी उस समय आसमान में जोर से बिजली कड़की और सारे रंग डर के एक दूसरे का हाथ थाम लिए और आसमान में दिखा एक सुंदर सा इंद्रधनुष जिसमें सारे रंग एक साथ मुस्कुरा रहे थे। और उस दिन के बाद सारे रंगों ने झगड़ा करना बंद कर दिया, जस्ट लाइक दैट। अरे हाथ पकड़े ना, चलो ये बच्चे भी ना। क्या हुआ बेन? नटू भाई, कृष्णा जिस तरह मम्मी पापा के बारे में बात कर रहा था सुना ना आपने, लेकिन उसकी जो बीमारी है कौन अपनाएगा उसे? उसके फ्यूचर के बारे में सोचकर डर लगता है। बेन आप ही ना बिना वजह परेशान हो रही हैं। कृष्णा एक खास बच्चा है, भगवान की उस पर कृपा है, ये सब आप ही कहती है ना। हाँ। तो ऊपर वाले ने जरूर उसके लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ बेन। अच्छा तो बच्चों ये बताओ कि आगरा का वर्ल्ड फेमस ताजमहल किसने बनाया था? किसने बनाया था? बेन, मिस्त्री ने। मिस्त्री ने? ये कौन सा मिस्त्री है भाई? कृष्णा ताजमहल तो शाहजहां ने बनाया था। अरे बेन शाहजहां ने तो बनवाया था, बनाया तो मिस्त्री ने था ना। इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट। अच्छा अब मैं तुम सबसे एक और इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछती हूँ। 10 + 4 = बताओ। 14। अरे ये तो सिंपल बात हो गई, मगर मैं कहती हूँ 10 + 4 = 2। तू कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, ये देखो 10 o'clock + 4 hours = 2 o'clock। ये हुई ना दिमाग वाली बात। अरे दिमाग से तो एक और बात याद आई, पता है शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच उसकी आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती हैं और स्टारफिश उसका तो दिमाग ही नहीं होता। नटू भाई की तरह। क्या हुआ बेन? वो फैमिली आई है जिनका मैं कल वेरिफिकेशन करके आया ना। अरे वो लोग आ गए? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा करिए आप बच्चों को तैयार करिए, मैं तब तक उनसे बातें करती हूँ। हाँ? हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप बच्चा क्यों गोद लेना चाहती हैं? जी वो एक्चुअली मैम इनका 3 बार मिसकैरेज हो चुका है, डॉक्टर्स का कहना है कि अब ये कंसीव नहीं कर सकती, इसीलिए हमने बच्चा गोद लेने का फैसला किया है। अच्छा जी हाँ, और हम जो भी बच्चा यहाँ से अडॉप्ट करेंगे उसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। जी। वो तो आपको करना ही पड़ेगा। वो क्या है ना कि हम अपने बच्चे सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो रिस्पॉन्सिबल केयरिंग और जेंटल होते हैं। मैं अपने बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने देती यहाँ, सारे बच्चे खुशी से रहते हैं, हम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। इसलिए तो जब इस फैमिली से बेटर कोई फैमिली मिलती है ना तो ही मैं अपने बच्चों को जाने देती हूँ। बेन नट्टू भाई ने हमारा ऑफिस घर सब देखा है, आई थिंक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है, आप देख लीजिए। ठीक है। टेम्पो तो अपना दिन में इतना जेल क्यों चोपर रहा है? ताकि मैं चंपू दिखूं। लेकिन तो चंपू क्यों दिखना चाहता है? क्योंकि मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहता बेन को छोड़कर, भला मैं क्यों जाऊं? और अगर मैं चला जाऊंगा तो मुझे नट्टू भाई कहाँ मिलेंगे डराने के लिए? टेम्पो मुझे भी दे थोड़ा सा तेल, मुझे भी नहीं जाना है बेन को छोड़कर। मैंने भगवान से भी प्रार्थना की है कि ये लोग कृष्णा को ले जाए। तो कृष्णा को क्यों भेजना चाहती है? मैं बताऊं, कांता बेन कृष्णा को बहुत प्यार करती है और ये जलकुकड़ी इस बात से जलती है। मैं क्यों जलूं? जलता होगा तू, कृष्णा तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और अगर वो गया तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं चाहती हूँ कि ये लोग कृष्णा को ही ले जाए। अरे बच्चे लोग तैयार हो गए? ये क्या भूत बन के बैठा है? इतना सारा पाउडर लगा था क्या कोई? मुझे दे दे, थोड़ा मैं लगा लेता हूँ। अच्छा एक बात मैं पहले से ही क्लियर कर दूं। जी। अडॉप्शन के सारे रूल्स तो हम फॉलो करते ही हैं, लेकिन हमारे आश्रय के भी कुछ रूल्स हैं। जी बेन नो प्रॉब्लम, सारे रूल्स फॉलो करेंगे हम। ठीक है अब आप बच्चों से मिल लीजिए
हम बाकी फॉर्मेलिटीज बाद में कर लेंगे। जरूर जी बहन। चलिए उसको भी आने दे। ये है हमारे क्यूट क्यूट से बच्चे। वो हमारी सबसे छोटी दिया। वो है कृष्णा। अच्छा, संस्कार। विटामिन। अब विटामिन उसका सही नाम नहीं है, सही उसका नाम है विनीत। प्यार से बुलाते हम उसे। और ये ना गोलू। अब वो है टेम्पो। टेम्पो में मिला था ना इसलिए। और वो है क्रिसमस। क्रिसमस के दिन मिला होगा। अरे वाह, बहुत समझ आ रहे हैं आप है? और बच्चों ये है मिस्टर और मिसेस कुमार। और ये तुम में से किसी एक को अपने साथ अपने घर लेकर जाना चाहते हैं तो मिल लीजिए। जी। नटू भाई। हाँ? वो कृष्णा के बारे में। हाँ हाँ बेन, बता दिया मैंने। गोलू शरारती नंबर वन। बेन, हम संस्कार को अडॉप्ट करना चाहेंगे। जी। अरे वाह, बहुत अच्छा। चलिए बाकी बातें ऑफिस में कर लेते हैं। ठीक है। ओके, चलिए चलो। लकी। तुझे तो मम्मी पापा मिल गए संस्कार। हमारे आश्रय से अगर किसी को आसरा मिलता है तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बेन मैं जाऊं? हाँ संस्कार, तुम अपने नए घर में जा रहे हो ना, मम्मी पापा की हर बात मानना। हाँ? ठीक है, अच्छे से रहना। चल बाय बाय संस्कार। बाय। ये बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे बेन, वो ऋतिक रोशन की मूवी आ रही है ना, इसीलिए। नड्डू भाई। हाँ? सब बच्चों ने खाना खा लिया? सब बच्चों ने खा लिया सिवाय एक के। किसने नहीं खाया? कृष्णा ने। क्यों? अरे मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो खाने के लिए तैयार ही नहीं है। और तो और, वो अपने फेवरेट हीरो ऋतिक रोशन की भी फिल्म देखने के लिए तैयार नहीं है। बोलो। अरे वाह, जासूस नंबर वन कहाँ है? वो वहाँ बाहर बैठा है। अरे कृष्णा, तू यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहा है? पता है वहाँ टेलीविजन पर तेरे ऋतिक की फिल्म आ रही है और तू यहाँ मुंह फुलाए बैठा है? बोल ना, क्या बात है? हुँ? कोई बात नहीं। अरे तू मुझे नहीं बताएगा? गर्मा गर्म खाना। बोल। अरे कृष्णा बेटा, आजा 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 आजा। ये हाँ, ये लो बेन खाना। देख, मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है आज, चल जल्दी से खा ले। हुँ? मुझको भूख नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। भूख नहीं है? क्या खाया तूने? कुछ नहीं खाया, फिर भी भूख नहीं है इसलिए नहीं खाना। तेरे जवाब, तेरे नखरे एकदम कृष्णा की तरह है। लेकिन बेन, ये तो कृष्णा ही है ना? अरे मैं इसकी नहीं, श्री कृष्णा की बात कर रही हूँ। खाने को लेकर वो भी अपनी माँ यशोदा को ऐसे ही सताते थे। ऐसे ही? ये तो कुछ भी नहीं, वो तो चार कदम आगे थे। चार कदम आगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो इतने नटखट थे, पांच छह कदम आगे थे। वो और उनकी मंडली पूरे गोकुल में हंगामा मचा देते थे, डेली कंप्लेंट आती थी घर पे। जानना चाहते हो किस तरह वो अपनी माँ यशोदा को सताते थे? बिन, जानना है। बिन, मुझे भी जानना है। लेकिन इसकी आवाज नहीं आ रही हमें। कृष्णा बोलना, कृष्णा बोलना, नहीं तो बिन कहानी नहीं सुनाएगी। हाँ जानना है। लेकिन एक शर्त है, खाना खाना पड़ेगा। हाँ तो बिन अपना कृष्णा खाना खाएगा ना। खाना खाएगा ना? हाँ? नो खाना नो कहानी। नहीं नहीं, 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 नहीं। खाना थोड़ा सा खा लेना। वेरी गुड।
तो सुनो, बात उस समय की है जब कृष्णा 8 साल के थे। क्या बात है सुदामा? हमने पूरा गांव ढूंढ लिया लेकिन इतना सा भी माखन नहीं मिला। लेकिन माखन गया कहाँ? मुझे तो लगता है सारा माखन लाला ने छुपाया है। तो ये बात है, चलो मेरे साथ। तुम लोग भोजन करने जाओ। ठीक है मालिक। अरे वाह, तो गोकुल का सारा माखन यहाँ है। शीघ्र आना तुम लोग। जी मालिक। यहाँ तो कितना माखन है। माखन, जल्दी करो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। लेकिन हम भीतर जाएंगे कैसे? कृष्णा, हम कैसे आए? तुम लोग इस किवाड़ की तरफ आओ। जल्दी आओ। आ जाओ। अरे वाह, अरे वाह, माखन ही माखन। ले मोटे लाला, ये भी खा ले। कृष्णा, कमाल कर दिया तुमने। अरे वाह, माखन की नदी। यह भी माखन, इसको तो मैं पूरा घटक जाऊंगा। अरे वाह, यहाँ भी माखन। अरे अरे, ये क्या किया तुमने? कौन है, कौन है, कौन है अंदर? कौन है वहां पर? खोलो, मैं कहता हूँ किवाड़ खोलो। आज मैं छोड़ूंगा नहीं। कृष्णा, अच्छा तो तुम लोग हो है? ये क्या? हाय, मैं तो लुट गया। अरे कृष्णा, सारे माखन का सत्यानाश कर दिया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। कृष्णा, किवाड़ खोल। किवाड़ नहीं खुलेगा लाला। हे भगवान, मैं तो लुट गया। काकी, कृष्णा को देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। सारा गांव ढूंढ लिया, पता नहीं कहां गया। सुबह से भूखा है बेचारा। बेचारा? तुम्हारा कृष्णा भूखा रहने वाला है? मेरे यहाँ का सारा माखन खा गया। उसने स्वयं तो खाया ही, सारे बाल गोपाल को भी खिला डाला। लाला, मेरे कृष्णा को झूठा बदनाम मत करो। झूठ बोलूं तो जीभ कट जाए मेरी। तुम स्वयं चलकर देख लो। चलो। आओ, स्वयं देख लो। हाय दैया, ये तो सच कह रहा है। क्या करूं मैं इस कृष्णा का? अरे वाह बेन, कहानी खत्म, खाना भी खत्म। ला बेन, आपने खाना खाया? चलो अच्छा है, कहानी के बाद मेरा ख्याल तो आया। अभी खाऊंगी। हे भगवान। ओए कृष्णा बेटा, कृष्णा चलो उठो। चलो। क्या है नट्टू भाई, अभी सोया हूँ। अभी नहीं सोया, रात को सोया मेरे बाप। चल 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 चल, उठ जा बच्चा। अबे मेरा पानी दे। तू क्या कर रहा है? तू उबासी कहके ले रहा है? मेरा मुंह है, मैं उबासी ले सकता हूँ। अच्छा तो लेने जाके।
कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम ओम नमः शिवाय ओम सूर्य देवाय नमः ओम सूर्य देवाय नमः ओम सूर्य देवाय नमः। इन्हें टॉवल देना। ओम सूर्य देवाय नमः ओम ओम सूर्य देवाय नमः ओम सूर्य देवाय नमः ओम सूर्य देवाय नमः। नट्टू भाई आऊं छु मारा भाई। हेलो हाँ मेहता साहब, जय श्री कृष्ण। अरे कल तो पापड़ की डिलीवरी करवा दी ना आपको मैंने। अरे देखो पापड़ पेड़ पर नहीं उगते मेरे भाई, पहले बेलने पड़ते हैं, फिर सुखाने पड़ते हैं, फिर तलने पड़ते हैं, फिर खाने पड़ते हैं। तो अरे दीपेन भाई मेहता, सॉरी थोड़ा गलत फहमी हो गया। हाँ आपने चाइल्ड अडॉप्शन के लिए एप्लीकेशन की थी ना। याद आया मुझे। हाँ तो पधारो बाबू पधारो, आओ दीपाली बहन आओ। दीपेन भाई ये है हमारा आश्रय। दीपेन भाई हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं ना वो इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं ना कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि किसे ले जाऊँ और किसे ना ले जाऊँ। लेकिन आप कन्फ्यूज मत हो ना, मैं आपको इतना अच्छा सा बच्चा दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। अरे नट्टू भाई। हाँ जी। क्या आप लोग पापड़ बनाने की फैक्ट्री भी चलाते हैं? नहीं नहीं दीपाली बहन, ये पापड़ हम पैसे बनाने के लिए नहीं, इस आश्रय को चलाने के लिए बनाते हैं। हमारी कांता बहन ने तो अपनी पूरी जिंदगी इन बेसहारा औरतों और अनाथ बच्चों के नाम कर दी है। बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि हमारे गुजरात में भी एक मदर टेरेसा है। सैल्यूट है बॉस कांता बहन को। मैं तो रोज करता हूँ। अरे बच्चे मस्ती मत करो, एक बोलो तस्कार विटामिन। बहुत प्यारे बच्चे है ना, प्यारे बच्चे। अरे थोड़े शरारती भी है। अरे यार तूने बेटा का नाम क्या है? नमस्ते कांता बहन। नमस्ते कांता बहन, मैंने आपके फाइल्स चेक कर लिए, सब ठीक लग रहा है जी। आप मिल लीजिए बच्चों को। मुझे लगता है कांता बहन हमें हमारा बच्चा मिल गया। देखिए आप वो, नहीं आप जाइए। नट्टू भाई हाँ? आपने इन लोगों को कृष्णा के बारे में बता दिया ना? I really like him. Yeah? बेन मुझे लगता है हमें इस बार नहीं बताना चाहिए। हाँ? नहीं बताना चाहिए मतलब नहीं बताना चाहिए। आप कृष्णा को देखिए ना, कितना प्यारा बच्चा है ना, कितना खुश लग रहा है उन लोगों के साथ। वो तो ठीक है लेकिन वो किसी ना किसी दिन तो उनको पता चल जाएगा ना। हाँ तो क्या हुआ बेन, आप ये सोचिए कि अगर इनका खुद का बच्चा अगर ऐसा होता तो। अरे तो क्या, मगर कुछ नहीं होगा बेन, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। प्लीज प्लीज इस बार नहीं। Hi! Happy birthday, beta. Thank you. Hello, congratulations. Happy birthday. Thank you. Arey wah! क्या हुआ बेन? नट्टू भाई हाँ? पता नहीं ऐसा लगा जैसे कृष्णा को कुछ हो गया, दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया ना। कुछ नहीं हुआ होगा कृष्णा को, जब से कृष्णा गया है आप सिर्फ उसके बारे में सोच रही हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। नहीं नट्टू भाई ऐसा नहीं है। बेन वो बहुत खुश होगा वहाँ, बहुत प्यार से रखेंगे वो लोग उसे, मैं गारंटी से कहता हूँ। और आपको तो पता है जब मैं गारंटी देता हूँ तब वो सच होता है, इसलिए आप कृष्णा के बारे में सोचना बंद कीजिए और भगवान कृष्ण का नाम लेके सो जाइए। इस बार आपकी गारंटी सही साबित करे श्री कृष्णा। चौकस कर शे। हाँ? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्णा कृष्णा। शांति से सोई जाओ बेन। एक बे त्रण चार पांच, 500 पूरा। चलता रुटू भाई। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कृष्णा
કાંતા બેન કૃષ્ણ આવ્યો છે આય નટુ ભાઈ અરે આય નટુ ભાઈ કૃષ્ણ કેસો હે રે તું નમસ્તે 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 આવો દીપાલી બેન બેઠો કેસા હે રે તું કૃષ્ણ मैं अच्छा हूँ अरे बहुत ही अच्छा हूँ आपको पता है रात को है ना मेरे लिए पार्टी भी हुई थी मैंने है ना केक भी काटा आपको पता है मैंने डांस भी किया ऐसे 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 फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद अरे बेटा कृष्णा क्या हुआ तुम्हें क्या हुआ अरे तू डॉक्टर को फोन करो कृष्णा उसके बाद मुझे याद नहीं मतलब कांता बहन हमें आपसे कुछ बात करनी है तू जाके अंदर खेल हाँ सबसे मिल हाँ नट्टू भाई हाँ जा 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 नट्टू भाई कैसा है तू अच्छा हूँ बैठिए क्या बात करनी है आपको कांता बेन आपने हमसे हमारे बारे में जो कुछ भी पूछा हमने आपको सब कुछ बताया लेकिन आपको भी तो कृष्णा के बारे में हमें सब कुछ बताना चाहिए था ना आपको नहीं लगता कि आपने हमारे साथ चीट किया है यही कहना चाह रहे हैं आप लोग हाँ मैंने आप लोगों को चीट किया है मुझे कृष्णा की बीमारी के बारे में आपको बताना चाहिए था लेकिन मिस्टर एंड मिसेस मेहता उसे कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है जिसे उसकी जान को खतरा हो उसे एपिलेप्सी है और अब एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन्स अवेलेबल हैं बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है यही हमारे डॉक्टर ने बताया था हमें झूठ कहा है कांता बहन कृष्णा को वो बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती आप कह रही हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर थोड़ी सी नहीं 24 आवर्स केयर की जरूरत है उसे उसे कभी भी कहीं भी दौरा पड़ सकता है कौन रहेगा उसके पास 24 आवर्स और क्यों रहेगा हम ले गए थे उसे इसलिए ताकि वो बुढ़ापे में सहारा बने हमारा लेकिन उसे तो खुद हर वक्त एक सहारे की जरूरत है एक मिनट तो आप लोगों को बच्चा नहीं सिर्फ बुढ़ापे का सहारा चाहिए था और क्योंकि आप लोगों को लगता है कि कृष्णा आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकता आप उसे अपने पास नहीं रख सकते यही ना ठीक है नो प्रॉब्लम एट ऑल मैं अपने कृष्णा की 24 घंटे जैसा कि आपने कहा केयर कर सकती हूँ छोड़ जाइए उसे लेकिन मिसेस मेहता एक बात बताइए अगर आपकी कोक से एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया होता जिसे यही बीमारी होती जो कृष्णा को है तो आप क्या करती उसे छोड़ देती यही लॉजिक देकर कि वो आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकता आप बताइए मिस्टर मेहता नहीं छोड़ पाते ना क्योंकि वो आपका अपना खून होता कुछ ही दिनों के लिए सही आपने कृष्णा को खुशियां दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जा सकते हैं चलो दीपाली चले गए अब तू यहीं रहेगा लेकिन बेन वो मेरे मम्मी पापा है मुझे उनके साथ जाना था बेन बेन मेरे मम्मी पापा चले गए बेन वो तेरे मम्मी पापा नहीं है वो तेरे कुछ भी नहीं है हो चुकी है सो जाइए अब नींद नहीं आ सकती नट्टू भाई उन आंखों में जिन्होंने कृष्णा की आंखों में आंसू देखे हों
आपने देखा कितना दर्द था कृष्णा के चेहरे पर जब मिस्टर और मिसेस मेहता उसे छोड़कर जा रहे थे। आप टेंशन मत लो बेन, बस एक दो दिन में ही भूल जाएगा वो उन लोगों को। भूल जाएगा वो, कुछ नहीं भूलेगा वो, रोता रहेगा सब कुछ याद करके। और ये सब आपकी वजह से हुआ है नट्टू भाई, सब आपकी वजह से हुआ है। आप नहीं बोला था, मत बताओ उन लोगों को कृष्णा की बीमारी के बारे में, कुछ मत बताओ। अरे सच ना बताना भी झूठ बोलना ही है। कृष्णा को मिर्गी की बीमारी है, ये सच है, और हमें उस सच के साथ जीना होगा। और हम बता देते तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, वो लोग कृष्णा को अडॉप्ट नहीं करते ना, बस इतना ही ना। लेकिन इतनी तकलीफ तो नहीं होती ना, ना कृष्णा को ना हमें। माँ बाप नहीं होते अलग बात होती, लेकिन यहाँ तो उसे माँ बाप मिले और उन्होंने उसे अपनाने के बाद ठुकरा दिया। इस बात से कृष्णा का तो दिल ही टूट गया होगा ना, इस बात का एहसास है आपको? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। सही कहा आपने, ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से। मैंने सोचा कि गलत था मैं। आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए। नहीं नट्टू भाई, सॉरी नट्टू भाई, मत रोइए, प्लीज मत रोइए। मैंने गुस्से में आके कुछ ज्यादा ही बोल दिया आपको, इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है, मेरी भी उतनी ही गलती है। आपने जो भी सोचा कृष्णा की भलाई के लिए सोचा, हमारा तरीका गलत था, लेकिन हमारा इंटेंशन तो गलत नहीं था। प्लीज मत रोइए ना, बुरा से बुरा क्या होगा, कृष्णा को कोई अडॉप्ट नहीं करेगा, उसे मम्मी पापा नहीं मिलेंगे, मत मिलने दीजिए। हम उसे इतना प्यार देंगे कि उसके मन में किसी और का ख्याल ही नहीं आएगा। हाँ यही सही है, और आज ये बात मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। देखे जमीन देखा आसमां, देखे जमीन देखा आसमां, ढूंढा सारा जहां, दुनिया की भीड़ में खो गए हो कहाँ, क्यों छन से आँखों से मेरा ख्वाब टूटा, क्यों छन से हाथों से तेरा हाथ छूटा, बेबस देखता ही रहा। ओ माँ तू है कहाँ, ढूंढा सारा जहां, ओ माँ तू है कहाँ, ढूंढा सारा जहां। किसे पूछो यहाँ, कौन बतलाएगा, हमने कभी ना माँ को देखा, हमने कभी ना ममता देखी, उसने देखा है भगवान को, जिसने माँ की सूरत देखी। ओ माँ तू है कहाँ, ढूंढा सारा जहाँ।
कृष्णा हूँ ना, मैं भी कृष्णा हूँ, लेकिन सब तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारे पास आते हैं, चाहते हैं कि तुम हमेशा उनके साथ रहो, उनके पास रहो, लेकिन कोई मुझे अपने पास नहीं रखना चाहता। क्यों? इतने दिनों के बाद मुझे मिले थे मम्मी पापा, लेकिन वो भी छोड़कर चले गए। क्यों छोड़कर चले गए? क्योंकि मुझे बीमारी है, इसलिए। क्यों मुझे कोई बीमारी है? पेन कहती है कि जिसे भी जो भी देते हो सब तुम ही देते हो, तुम ही ने मुझे ये बीमारी दी है ना? हाँ, क्यों दी है मुझे ये बीमारी? ताकि मुझे मम्मी पापा ना मिले, इसलिए। बेन ने सुनाई है तुम्हारी कहानी, तुम्हारे पास दो दो मम्मी पापा थे और मेरे पास एक भी नहीं, ऐसा क्यों? सब कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे हो, सबकी मदद करते हो, लेकिन नहीं, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत ही बुरे हो कृष्णा, तुम बहुत ही बुरे हो, बहुत बुरे हो तुम कृष्णा। अगर मुझे मेरे मम्मी पापा नहीं मिले ना, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे कट्टी हो जाऊंगा, देखना तुम। कृष्णा, क्या हुआ? कौन है? कृष्णा, तुम मुझे बुला रहे हो? हाँ, तो फिर दिखते क्यों नहीं? पीछे मुड़ के तो देखो। तुम कौन हो? मैं कृष्णा हूँ। मैं कृष्णा हूँ। लेकिन कृष्णा तो मैं हूँ। मैं भगवान श्री कृष्णा हूँ। भगवान श्री कृष्णा, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने ही तो बुलाया मुझे। कृष्णा, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। जानते हो? क्या जानते हो? सब कुछ, थोड़ी देर पहले जो जो कहा तुमने, सब कुछ। तो तुमने सब सुन लिया? हाँ, जब भी कोई सच्चे मन से मुझे बुलाता है तो मैं आ जाता हूँ, इसलिए आज भी मुझे आना पड़ा, अपने दोस्त के लिए, दोस्त बनकर। एक मिनट, लेकिन मैं ये मानू कैसे कि तुम सचमुच में जय श्री कृष्णा हो? तुम ही बताओ, कैसे मानोगे? तुम कुछ मिरेकल करके दिखाओ। कुछ चमत्कार। चमत्कार? कोई और कहता तो नहीं मानता उसकी बात, लेकिन अब तुम्हें दोस्त बनाया है तो तुम्हारी बात तो टाल ही नहीं सकता। बोलो, क्या देखना चाहते हो?
तुम यह मंदिर गायब कर सकते हो? मंदिर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। वाओ वाओ, सचमुच गायब कर दिया, ये तो बिल्कुल परियों की दुनिया है। वाओ, कितना सुंदर है। अरे कृष्णा, तुमने तो कमाल ही कर दिया, सचमुच का मंदिर गायब कर दिया। ऐसा लगता है कि कोई परियों की दुनिया में आ गया हूँ। अब तो तुम्हें विश्वास हुआ कि मैं ही हूँ। हाँ, अभी मुझे विश्वास हो ही गया कि तुम ही हो। जय श्री कृष्णा। वो कांता बेन वाले जय श्री कृष्णा है ना। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो, माई बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा कृष्णा, मैं जाऊँ? जा रही हो? फिर कब आओगे? फिर मैं बताता हूँ। ये लो मेरी बांसुरी। वाओ, कितनी सुंदर बांसुरी है। जब भी मुझे बुलाना हो तुम इसे बजाना, मैं आ जाऊंगा। अरे लेकिन कृष्णा, मुझे तो बांसुरी बजानी आती ही नहीं है। तुम्हें आती है? तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे बांसुरी बजानी आती है? मैंने कहा ना, तुम्हें बांसुरी बजानी आती है। इसे अपने होंठों पे रखो और स्वयं देख लो। कृष्णा, मुझे तो सचमुच में बांसुरी बजानी आती है। लेकिन कृष्णा, तुम जल्दी से मंदिर वापस ला दो, पूजा करने के लिए लोग आते ही होंगे। हाँ, सुबह होने वाली है। हाँ हाँ, ये लो। हाँ, अभी ठीक है। कृष्णा, मैं तुम्हें कल मिलता हूँ, ठीक है? बाय। अरे गुड़िया, अरे भगवान, बेटा उठो। दिया प्लीज नट भाई, सोने दो ना। चलो जल्दी उठो। ए टेम्पो, चल उठ। अरे सोने दो, सारी रात हॉर्न बजाते रहता है, चल उठ। कृष्णा कहाँ चला गया? कृष्णा, कृष्णा, कमाल है ये। टेम्पो, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। कृष्णा, ए कृष्णा, बचाऊंगा इनके चक्कर में मैं। कृष्णा, ए कृष्णा, क्या गया सवर्णपुर में? कृष्णा, ए कृष्णा। अरे क्या हुआ नटू भाई, क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ देखिए ना बेन, ये कृष्णा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है मतलब? मतलब नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ? अरे सारा आश्रय ढूंढ डाला मैंने। अरे आप ठीक से देखिए, कहीं होगा कहीं यही। अरे बेन, मैंने ऊपर नीचे सारे कमरे देख डाले, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाहर जाके देखता हूँ। ए कृष्णा, कृष्णा। हाँ? तो एराम करे भाई, तुम कहाँ चला गया होगा? ए कृष्णा, सवर्णपुर में क्या जतो रहे हो, कहीं आश्रय छोड़ के चला गया तो पता नहीं कांता बेन का क्या होगा। हे भगवान, हमारे कृष्णा की रक्षा करना, उसकी खुशियाँ, उसका भविष्य सब तुम्हारे हाथ में है।
कृष्णा, ए कृष्णा, उसे वापस लौटा दे भगवान, उसे वापस लौटा दे। अरे वाह क्या बांसुरी है यार। रघु भाई, कृष्णा ने जोयो? ना नथी जोयो। अरे तो छापू पछी वाचो ना, ध्यान राखू जोयो। अरे नट्टू भाई जो आवी गयो। आप चिल्ला क्यों रहे हो? मैं चिल्ला रहा हूँ? और चिल्लाऊ नहीं तो क्या करूँ, तेरी आती करूँ? कहाँ चला गया था सुबह सुबह और हंस क्या रहा है तू? बता कांता बहन कितनी परेशान है। चल तू अंदर चल, आज बराबर मेथी पाक मिलने वाला है और पनिशमेंट भी। हंस मत। मिल गया? अरे वाह वाह वाह, थैंक यू। हाँ सब लोग कितने परेशान हो गए थे और कांता बहन भी रो रही थी। अरे कहाँ चला गया था रे, कहाँ गया था रे तू? हाँ कृष्णा। अरे बहन मैं तो यही था, मैं कहाँ जाऊंगा, जस्ट लाइक दैट। यही था? अरे मैंने तो सब जगह। नट्टू भाई आपको ठीक से देखना तो चाहिए था ना, बेवजह टेंशन में डाल दिया, अब जस्ट लाइक दैट तेरी वजह से। हंसता क्या? अरे वाह कृष्णा, तुम्हारे पास इतनी क्यूट सी वसर कैसे आई? बस आ गई। आ गई? पर किसने दी? मेरे फ्रेंड ने दी। फ्रेंड ने? कौन से फ्रेंड ने? वो मैं नहीं बता सकता, अब तू जा यहाँ से। अच्छा ठीक है, तेरे पास बांसुरी तो है पर तुझे बजानी आती है? आती है ना। तो बजा के सुना। नहीं बजा सकता। इसका मतलब तुझे बांसुरी बजानी ही नहीं आती। आती है। तो बजा के सुना ना। ये कौन बजा रहा है? ये तो कृष्णा है। वाह देखो ना कितनी अच्छी बांसुरी बजा रहा है। बस बजा रहा है ना। वाह, अरे वाह कृष्णा, तू इतनी अच्छी बांसुरी बजाना कहाँ से सीखा? तू मुझको भी सिखाएगा ना यार। मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, मैं पहले सीखूंगा। सबको सिखाऊंगा बस। तैयार है बच्चों? बच गया। मुँ। अरे तुम यहाँ? तुमने ही तो बांसुरी बजाई इसलिए मैं आ गया। अरे वो तुमको बुलाने के लिए थोड़ी ना बजाई थी, वो तो दिया ने जोश दिला दिया इसलिए मैंने बजाई। तुम तो बेकार में चले आए। लेकिन हम भगवान अपने वादे के पक्के होते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब आ गए हो तो चले जाओ। अरे कैसे दोस्तों तुम, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और तुम मुझे जाने को कह रहे हो? मेहमान तो वैसे भी भगवान होता है और मैं तो स्वयं भगवान ही हूँ। हाँ ये ठीक है, बताओ बताओ क्या चाहिए? वाह खीर की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है खीर बन रही है। मैं खीर खाऊंगा। तुम खीर खाओगे और वो भी सबके सामने, सबको पता चल गया तो? अरे कृष्णा क्या चाहे तू? अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ, मैं अभी जाता हूँ, कुछ सोचता हूँ तुम्हारे लिए। बहुत अच्छी बनी है खीर। अरे वाह खीर मस्त है ना। अरे तुम यहाँ पे क्यों आए हो? किसी ने देख लिया तो? मुझे कोई नहीं देख सकता, मैं तो खीर खा के ही जाऊंगा। ये लो खाओ। ये जब भी खीर बनाती है ना मेरी खिचड़ी बन जाती है। अरे खीर किसको चाहिए? मुझे चाहिए। तुझे? हाँ तो? अरे अभी तो खीर दी थी तुझे। अभी तो शुरू किया है नट्टू भाई। अभी शुरू किया तो खत्म कब करेगा मेरे बाप? ये ले भाई खा। मैं भी लूंगा और खीर। कमाल है कृष्णा, और खीर दो ना। ये लो। अरे कितना खाओगे, पेट फट जाएगा तुम्हारा। बहन मैं तो थक गया यहाँ से वहाँ होते होते। हे भगवान। हैं ये क्या, ये खीर का पतीला तो अभी भी भरा का भरा ही पड़ा हुआ है जबकि बच्चों ने तो इतनी सारी खीर खाई। और बहन कृष्णा तो कम से कम 20 कटोरी खा चुका है खीर। अच्छा फिर भी ये खाली क्यों नहीं हो रहा है? बहन कुछ स्पेशल चीज डाली है आपने इसमें? हाँ डाली है ना। हाँ तभी मुझे लगा कि ये लोग घबा घब क्यों खा रहे हैं। प्यार डाला है। और आपको कितनी बार कहा है कि बच्चों के खाने पे नजर मत डालिए।
ये प्यार व्यार नहीं है, कुछ बड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे। हाइला, कहीं कालीचरण का भूत तो नहीं घुस गया कृष्णा के पेट में? मैं नहीं जाऊंगा खीर देने। क्यों बच्चों, मजा आया ना? खीर अच्छी बनी थी ना? बेबी बोलू कि मुझे अच्छी लगी? नहीं नहीं। हाँ क्यों कृष्णा, तुम्हें खीर अच्छी नहीं लगी? अरे नहीं नहीं बेन, मुझे तो खीर बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन वो टेम्पो है ना, उसे खीर अच्छी नहीं लगी। हाँ अच्छा, क्यों टेम्पो, क्या बात है? नहीं नहीं, मुझे तो खीर बहुत अच्छी लगी, वो झूठ बोल रहा है। ओफो, तुम सब ना। अरे हाँ, तुमको एक गुड न्यूज दूँ, आज टीवी पे क्रिश आ रही है। अच्छा कृष्णा, अब तो बताओ ये क्रिश क्या है जिसका नाम सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए थे? क्रिश एक फिल्म है। फिल्म? हाँ, सुपरहिट फिल्म। सुपरहिट मतलब? सुपरहिट मतलब जैसे कि तुम सबके बीच चहेते हो ना, वैसे ही। अच्छा, मुझे भी देखनी है क्रिश। क्रिश देखनी है? ठीक है, आज हम दोनों मिलकर क्रिश देखेंगे। वाओ, क्या जंप किया है, बहुत मस्त सीन है यार। मस्त है। अरे कितना तेज दौड़ता है ना। वाह, क्या जंप कर रहा है, काश मैं भी ऐसे जंप कर सकता था। अरे ये तो घोड़े से भी तेज भाग रहा है, कौन है ये? धीरे से, ये लोग सुन लेंगे। हाँ लेकिन है कौन ये? अरे यही तो है क्रिश। हाँ क्रिश, तुम्हारे जितना पावरफुल है, बहुत कुछ कर सकता है। हाँ? पेड़ों पे चढ़ सकता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग से गुड्डी मार सकता है। हाँ, इसका नाम भी तुम्हारे मेरे जैसा ही है, कृष्णा। बाद में क्रिश हो जाता है, कैसे आगे जाके पता चलेगा, लेकिन इसका नाम ये सिर्फ इस फिल्म में है, बाकी तो इसका नाम ऋतिक रोशन है। ऋतिक रोशन? ऋतिक रोशन? हाँ, अरे मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। फैन? ये क्या होता है? अरे कृष्णा, तुम तो सब कुछ जानते हो, फिर इसका मतलब क्यों नहीं जानते? फैन का मतलब जिसे हम बहुत ही ज्यादा चाहते हैं, हम उसके फैन हो जाते हैं। तब तो आज से मैं भी इसका फैन हो गया। तुम भी इसके फैन हो गए, वेरी गुड वेरी गुड। हैं? तब तो मिलना है मुझे उससे। मिलना है? तुम्हें? और इससे? पॉसिबल नहीं है। ये किसी को नहीं मिल सकता। हाँ लेकिन मुझे तो इससे मिलना है। मैं इसे नहीं मिलवा सकता तुम्हें, क्योंकि ये मुंबई में रहता है और ये गुजरात है, पॉसिबल नहीं है। अब तुम फिल्म देखो ना यार। देखो, अगर तुम मुझे नहीं मिलवाओगे तो मैं तुमसे कट्टी हो जाऊंगा। चले गए, पूरी फिल्म देखनी चाहिए ना, असली मजा तो अब शुरू होगा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बेन, हम ये सब क्या कर रहे हैं? बेटा आज जन्माष्टमी है। मतलब? जन्माष्टमी मतलब श्री कृष्ण का जन्मदिन। क्या आज कृष्णा का हैप्पी बर्थडे है? कृष्णा का नहीं, श्री कृष्णा भगवान का हैप्पी बर्थडे है। समझा? अच्छा, तो आज केक तो जरूर मिलेगा। केक नहीं बेटा, आज तो पेड़े मिलेंगे, पेड़े सबको। आज मजा आएगा। और ये देखो उनके नए नए कपड़े। कपड़े कितने सुंदर है ना। एक मिनट, पिंक वाला ना? ओके, पिंक वाले कपड़े पहनाएंगे। ये क्या है? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हलवा लाया हूँ। हलवा? वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ,
कांता बेन ने इसे नोवा घी में बनाया है। नोवा घी? हाँ, और वो ये भी कह रही थी कि कल हम लोग नई हंडी देखने जाएंगे, तुम भी साथ में चलोगे ना? अरे मैं तो वही रहूँगा ना। अच्छा, तब तो बहुत मजा आएगा। मस्ती लुटाएंगे हम कल पे छाएंगे, अरे मस्ती लुटाएंगे हम कल पे छाएंगे, नाचेंगे गाएंगे गोविंदा। मस्ती लुटाएंगे हम कल पे छाएंगे, नाचेंगे गाएंगे गोविंदा। मटकी संभाल जरा करने धमाल, यहाँ जान हथेली पे लाए हैं। मटकी संभाल जरा कर्ण धमाल, यहाँ जान हथेली पे लाए हैं। गोपियों में है शोर आए हैं माखन चोर, गोपियों में है शोर आए हैं माखन चोर, जीत के दिल सबका जाएंगे। आला रे गोविंदा ला, मटकी फोड़ेगा ब्रिज गह पहला। आला रे गोविंदा ला, मटकी फोड़ेगा ब्रिज गह पहला। हरे हरे राम हरे, हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे, हरे गोविंद हरे, हरे गोपाल हरे, हरे कृष्ण कन्हैया। गिन गिन के दिन हमने उंगलियों पे काटे, मल्हार गुण गौन के हम है गाते। ओ डोर इन सांसों की तुझसे जुड़ी है, बन के हवा में पतंग उड़ जाए। मचा है भीड़ भड़ाका, मचा है धूम धड़ाका, सड़कों पे शोर शराबा, जय हो नंद के लाला। गोपियों में है शोर आए हैं माखन चोर, गोपियों में है शोर आए हैं माखन चोर, जीत के दिल सबका जाएंगे। अरे आला रे गोविंद आला, मटकी फोड़ेगा ब्रिज गह पहला। अरे आला रे गोविंद आला, मटकी फोड़ेगा ब्रिज गह पहला। हरे हरे राम हरे, हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे, हरे गोविंद हरे, हरे गोपाल हरे, हरे कृष्ण कन्हैया। गोविंद आला रे, गोविंद आला रे, आला रे गोविंद गोविंद। मटकी रे मटकी कमर तेरी, मटकी मटकी पे तेरी मेरी जान अटकी। अचके रे मचके रे हिचको लेखाए, लाखों दीवानों के दिल लुट जाए। छत से गोपियां झाके आए हैं ब्रिज के बाके, रहना बच के बचा के ले जाए होश उड़ा के। गोपियों में है शोर आए हैं माखन चोर, गोपियों में है शोर आए हैं माखन चोर, जीत के दिल सबका जाएंगे। आला रे गोविंद आला, मटकी फोड़ेगा ब्रिज गह पाला। आला रे गोविंद आला, मटकी फोड़ेगा ब्रिज गह पाला। हरे हरे राम हरे, हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे, हरे गोविंद हरे, हरे गोपाल हरे, कृष्ण कन्हैया।
मैं क्या कर सकता हूँ? तुम तो सब कुछ कर सकते हो। अच्छा तो फिर मैं मटकी फोड़ कर दिखाऊँ? तुम फोड़ोगे? वो कैसे? वो देखो कृष्णा को देखो। पागल हो गया क्या तू? अरे बापे। वही है ना? हाँ वही तो है। चल चुप। अबे चुप बैठ। बोला ना आवाज नहीं। बोला ना तुझे लड़के बीच रास्ते में क्यों खड़ा है? अब क्या नहीं तोड़ा दूंगा। आधे उड़ा दे, आधे उसको। ए चुप, क्या हुआ? चलना ना, क्या कर रहा है? अबे स्टार्ट नहीं हो रही है। अबे स्टार्ट क्या करना? कैसे स्टार्ट नहीं हो रही है? अरे ये, अरे क्या कर रहा है? ऊपर मेरी गाड़ी वाली। अरे क्या कर, वो क्या आ गई ये? अरे नीचे ले गाड़ी। अरे गाड़ी नीचे ले। अबे बैठ, बैठ क्या करो? अरे कृष्णा, जब मैं पहले आश्रम में नहीं था ना, तब मैं पहले एक सर्कस में काम करता था। वहाँ पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वो लोग मुझे पीटते थे, मारते थे, मुझको रात का खाना भी नहीं देते थे। एक बार मैंने सोचा कि यहाँ से मुझे भाग जाना चाहिए। मुझे एक टेम्पो दिखी, वहाँ मैं वहाँ पर जाकर छुप गया और वो टेम्पो मुझे कांताबेन के पास ले गई। लेकिन अभी तो घबरा मत, ये गुंडे तेरे को कभी परेशान नहीं करेंगे। हाँ और सुन कृष्णा, ये बात तो प्लीज कांताबेन को मत बताना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, नहीं बताऊंगा। अभी तो चल, वरना वो नट्टू भाई इधर आ जाएंगे। ए, कौन पादा? ए, किसने पादा? किसने पादा? किसने पादा? गुलू ने पादा, गुलू ने पादा, गुलू ने पादा, गुलू ने पादा। एक मिनट रोक, रोक, मैं बताता हूँ। आधा पादा कौन पादा? मामा जी का घोड़ा पादा आज पादुस। किसने मारी इतनी लंबी लंबी गंदी गंदी डुस? ए रुको, मुझको पता चल गया कौन पादा। गोलू ने नहीं पादा, बल्कि नट्टू भाई ने पादा। काली चरण को बुलाओ क्या? अब तू काली चरण को बुलाया लाली चरण को? अब मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझा क्या?
अब तू चाहे कितनी भी बीपी की बातें कर ले टेम्पोल, लेकिन मेरा बीपी बढ़ने वाला नहीं है। अच्छा तो फिर अभी आप किसी से भी नहीं डरने वाले हो? किसी से नहीं डरने वाला विटामिन बेटा, क्योंकि अब हमेशा मेरे साथ रहेगा मेरा बज्जू। बज्जू? बज्जू क्या है? बज्जू बज्जू मतलब बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। चलो फटाफट दूध पी के पलटी मार के सो जाओ। अरे कृष्णा बेटा क्या बात है। अरे तू तो अपनी बांसुरी ऐसे साफ कर रहा है जैसे कोई बंदूक हो। अरे नट्टू भाई, हाँ? आपको पता है ये बांसुरी उस बंदूक से भी तेज है। हाँ भाई हाँ, तू और तेरी बांसुरी तो निराले है भाई। चलो कृष्णा बेटा, हाँ? दूध रखा है यहाँ, पी लेना याद से। या? अरे क्या, या बेटा, क्या हुआ? क्रिसमस, क्रिसमस, एंथो, क्या हो रहा है तुझे? रीमा, गोलू, नट्टू भाई जल्दी देखो क्या हो रहा है? काटा रे! चेक द रिपोर्ट। ओके सर। Everything is okay. जी। Yeah. Give him the last injection. जी। Yeah, he's fine now. डॉक्टर साहब। बच्चे ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं, सारे बच्चे अब खतरे से बाहर हैं। लेकिन डॉक्टर साहब इन्हें हुआ क्या है? उन्हें एक्चुअली फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग? जी हाँ, फूड पॉइजनिंग। शहर के और हिस्सों से भी फूड पॉइजनिंग की खबरें आ रही हैं। काफी बच्चे बीमार हो चुके हैं मिलावटी दूध पीने से। मिलावटी दूध? जी मिलावटी दूध। हे भगवान, इन मिलावट करने वालों को ऐसी सजा मिले कि उन्हें नर्क में भी जगह ना मिले। रिलैक्स, हे कृष्ण, सारे बच्चों की रक्षा करना। अब क्या हुआ कृष्णा? जानते हो, मिलावटी दूध पीने से आशय के सारे बच्चे बीमार पड़ गए। और तो और, शहर के बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ गए। प्लीज कृष्णा, कुछ करो ना प्लीज। लगता है दूध में मिलावट करने वालों को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। पांचू, छठू, सातू, आठू, नौठू, दसठू, ग्यारहठू, बारहठू, तेरहठू, चौदहठू, पंद्रहठू, सोलहठू, सत्रहठू, अठारहठू, उन्नीसठू, बीसठू, इक्कीसठू, ये गिनने की क्या जरूरत है पद्दू भैया? कारे कलवा, दूध में केमिकल कम मिलावट हो का? क्वांटिटी थोड़ा कम महसूस होता है। का करें पद्दू भैया, दूध से महंगा तो केमिकल हुई गवाह है। ए कलवा, पद्दू सिंह को पादना सिखावत हो का? जो हमरी खोपड़िया घूम गई ना, तो त्योहार हड्डियों का केमिकल बना के दूध में घुसेर दे। चल बुढ़वा कहीं का। ओ, तो ये बात है, यहाँ होती है दूध की मिलावट। अच्छा, आज इन लोगों को सबक सिखा के ही रहूंगा। कृष्णा, तुम उन लोगों को सबक सिखाओ, मैं इन लोगों को सबक सिखाता हूँ। बनावत है और उस ससुरा हमको फुद्दू बनाना चाहिए। कौन पद्दू भैया? उस ससुरा कलवा है ना। पद्दू सिंह को 200 रुपए का चूना लगाना चाहिए, पर हमारा नाम भी पद्दू सिंह है पागल नहीं। पद्दू का दूध का दुकान पद्दू पूरा बेईमान। चला चला दद्दू से मिलवाया। कौन है ससुरा? चला बाहर निकल के देखते हैं। अरे ईका कर दिया, हमरा हेडलाइट फोड़ दिया। छलांग में नदियां पार कर दूं, तर पकड़ से मैं हाथ ना वो कमाल कर दूं, बादलों का रथ बना के आकाश में उड़ जाऊं, गड़गड़ाती बिजलियों से लड़ जाऊं, फिर जाऊं मैं
राजा कृष्णा? नहीं नहीं, राजा हूँ मेरा चर्चा तो घर घर है, जबकि कौन में मिस्री घोल तो मुरली में वो असर है। फिर नाम पड़ा क्यों माखन चोर, बन खट्टे करे क्यों गोभी अशोक। चुप चुप की देखी पेड़ों से ब्रिज बला, मैं कृष्णा हूँ मैं कृष्णा हूँ मैं कृष्णा कृष्णा हूँ, मैं कृष्णा हूँ मैं कृष्णा हूँ मैं कृष्णा कृष्णा हूँ, मैं कृष्णा हूँ मैं कृष्णा हूँ मैं कृष्णा कृष्णा हूँ, मैं कृष्णा हूँ मैं कृष्णा हूँ मैं कृष्णा कृष्णा हूँ। खुद बांध के एक छलांग में नदियाँ पार कर दो, तर पकड़ से मैं हाथ ना हूँ वो कमाल कर दो, बादलों का रथ बना के आकाश में उड़ जाऊँ, गड़गड़ाती बिजलियों से लड़ जाऊँ फिर जाऊँ। मैं हूँ अलबेला, मैं नंद नंद लाला, मैं कृष्णा हूँ मैं कृष्णा हूँ मैं कृष्णा कृष्णा हूँ, मैं कृष्णा हूँ मैं कृष्णा हूँ मैं कृष्णा कृष्णा हूँ, मैं कृष्णा कानपुर और आगरा के बाद गुजरात में भी मिलावटी दूध के कारोबार करने वालों का पर्दाफाश हुआ। मिली जानकारी के अनुसार कल शहर में कई अलग अलग जगहों पर बच्चों की हालत गंभीर रही। पुलिस पूरी तरह इस कोशिश में नाकामयाब रही, लेकिन एक बहादुर बच्चा जिसका नाम कृष्णा है उसने पुलिस की मदद की और उस जगह का नाम बताया जहाँ पर इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा था, और इसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ उस बहादुर बच्चे कृष्णा को जाता है। आगे की खबर के लिए आप देखते रहिए चैनल न्यूज बिग। कृष्णा तुम तो प्रसिद्ध हो गए हो, हर जगह प्रशंसा हो रही है तुम्हारी, नाम हो रहा है तुम्हारा। जो भी हो रहा है सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है, अगर तुमने साथ ना दिया होता तो मैं क्या कर सकता था। हम भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जिनमें साहस होता है, तुम में है इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारा काम किया। अब तुम मेरा काम करो। तुम्हारा काम? कौन सा काम? भूल गए? बड़े स्वार्थी दोस्त हो तुम यार। मैंने तुम्हारा इतना काम किया लेकिन मैंने जो काम कहा था वो तुम्हें याद तक नहीं। कौन सा काम कहा था कृष्णा? ऋतिक, ऋतिक। अरे कृष्णा मैं तुम्हें उसे नहीं मिलवा सकता। हुँ? मैं उसका फैन हूँ, जानता थोड़ी ना हूँ उसे। हर बच्चे उसके फैन है, सारे बच्चे थोड़ी ना मिल सकते है ऋतिक से। मुझे उससे मिलना है बस, और तुम ही मिलवाओगे उससे मुझे। अब कैसे ये तुम जानो। मैं नहीं मिलवा सकता, इतने बड़े भगवान होकर बच्चों जैसी बात करते हो, नहीं मिलवा सकता। तो मैं भी अब तुम्हारे बुलाने पर नहीं आ सकता। ठीक है मत आना, बस सोच लो मेरे बिना तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। चला लूंगा, आवश्यकता पड़ने पर मुझे ही बुलाओगे तुम। नहीं बुलाऊंगा, तुम जिद्दी हो तो मैं भी कम जिद्दी नहीं। ऐसा? हाँ ऐसा। ठीक है फिर आज से अपने कट्टी कट्टी। चला गया गया तो गया, मैं भी जाता हूँ। अरे उच्चारा चूहा पकड़ा, बचकर जाने ना पाए। भगवान ने तो क्या हुआ, खुद को समझता क्या है। ऋतिक रोशन थोड़ी ना सबसे मिलने को आता है। नहीं बात करना है तो मत बात करो, मैं भी बात नहीं करूँगा। संस्कार था ना ये तो, संस्कार। अरे संस्कार रुक तो, तू भाग क्यों रहा है? कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े, तू भी भाग नहीं तो लोग तुझे भी पकड़ लेंगे। भाग ना थोड़े से, हम कहता हूँ रुक जाओ। अरे पकड़ ले। कृष्ण और संस्कार भाग क्यों रहे हैं? कांता बहन को बताता हूँ। संस्कार हाँ लोग तेरे पीछे क्यों पड़े हैं और मुझे भी क्यों पकड़ लेंगे? ये सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, अभी बस भाग। तुम लोगों को चोट तो नहीं लगी? नहीं, आप कटरीना दीदी हो ना? हाँ, लेकिन तुम लोग भाग क्यों रहे हो? दीदी कुछ गुंडे हमारा पीछा कर रहे हैं। गुंडे? हाँ। अरे पकड़ा,
दीदी प्लीज हमारी हेल्प कीजिए ना। ऑफ कोर्स करूंगी, चलो चलो अंदर आओ, पीछे बैठो। ये आग से पकड़ा, अरे जल्दी चला। दीदी जल्दी चलो, वो गुंडे लोग आ गए। भागा सत्रा। ए हटना, ए चल चल चल, ए बाहर निकाल के फेंका इस झिंगर का। चला ए चप चल। हाँ विशाल, हाँ I'm on my way, but two kids are with me. They're in a bit of trouble right now. I'll call you later, okay? Bye. हाँ, speed ladder. हो रहे। ये तेज। गाड़ी चला रहा है क्या? बैलगाड़ी भगा। और तेज भगा। ये भगा रे भगा। अरे कहते भगा। जल्दी ओवरटेक करा। चला। नीचे बैठो। और तेज और तेज और तेज ज़्यादा चलो। अरे भगा भगा। सुनते। चबा चबा। भगा भगा। इंडिया कर ले। गाड़ी मत छे। अरे चल निकाल। अरे इधर से इधर से। चबा। चल चल उतर उतर। चल 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 चल। भाई ये तो कैटरीना कैफ है। अगर ये कैटरीना कैफ है तो मैं भी शक्ति कपूर हूँ। आओ ए मैडम, बच्चों को हमारे हवाले कीजिएगा और फूटिए यहाँ से। हमरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं तो नहीं तो क्या? मैडम इज्जत से कह रहा हूँ, बच्चों को बाहर निकालिए और हमारे हवाले कीजिए। हमसे पंगा मत लीजिए। पंगा तो तुम लोगों ने ले लिया है मुझसे। अच्छा दल्लो रे। बोला था ना हमसे पंगा मत लेना। चलो 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 अभी साहब गुंडा लग भाग गया। अभी कैटरीना साथ एक ग्रुप फोटो हो जाए तो एकदम मजा आ जाए ना बाबा। हाँ मजा आ जाए। संस्कार, कैटरीना दीदी ने क्या फाइट की ना? हाँ बहुत अच्छा मारा, मुझे तो मजा आ गया। अच्छा संस्कार बता तो वो गुंडे थे कौन? कृष्णा वो बहुत खतरनाक गुंडे थे, वो बच्चों को पकड़ के उनसे काम कराते और मारते पीटते भी है। मुझे भी पकड़ रखा था उन्होंने। अच्छा हाँ मेरे जैसे कई बच्चे हैं वहाँ। क्या मुझे अभी वहाँ ले चलो। नहीं नहीं वो लोग तुझे भी पकड़ लेंगे, तुम ले तो चलो। ठीक है चल। इंस्पेक्टर साहब इस बच्चे ने देखा है संस्कार को भागते हुए, कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। उसके बाद मैंने मिस्टर कुमार को फोन किया लेकिन लैंडलाइन पे कोई उठा नहीं रहा है और मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है। मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लग रही है, आप कुछ कीजिए ना, मुझे तो बच्चों को लेकर बहुत चिंता हो रही है। उस आदमी की कोई तस्वीर है आपके पास जिसने संस्कार को एडॉप्ट किया था? हाँ, 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 है ना दिखाइए। ये देखिए लीजिए। ओह माय गॉड बहन, ये कोई कुमार उमार नहीं है, ये गुजरात का नटवर लाल है, रॉबर्ट डिसूजा। ये अंगार सिंह के लिए काम करता है और अंगार सिंह बहुत ही खतरनाक मुजरिम है।
और अपने हर गलत काम में वो बच्चों का इस्तेमाल करता है। हे भगवान, लेकिन 10 दिन पहले तक तो मैंने इनसे बात की और बहुत अच्छी तरह बात कर रहे थे वो, और संस्कार से भी बात करवाई हमारी, और रेगुलरली संस्कार के मेडिकल रिपोर्ट, उसकी एकेडमिक रिपोर्ट भेजते रहते हैं, तो डाउट का तो सवाल ही नहीं आता। ये क्या हो गया? देखिए आप परेशान ना हो, अब तक हमारे पास इनके खिलाफ ना कोई सबूत था और ना ही गवाह, अब हमारे पास सबूत भी है और ये गवाह भी। अब ना रॉबर्ट बचेगा और ना ही अंगार सिंह। कृष्णा, यही वो जगह है जहाँ पे उन लोगों ने मुझे रखा था। यहाँ पे कई बच्चे हैं मेरे जैसे, जिनसे अंगार सिंह दिन रात काम करवाता है। अंगार सिंह एक नंबर का जल्लाद है वो। वो बच्चों को बहुत दुख देता है, और जो बच्चे काम नहीं करते ना, उनको अपनी बड़ी कंघी से मारता है, और कई बच्चों के तो हाथ पैर तोड़ के उनसे भीख मंगवाता है वो। कृष्णा, हाँ? वो देखो, वो बैठा है अंगार सिंह। जानता है ना, इस कंघा से हम अपना बाल भी ठीक करता हूँ और लोगन का दिमाग भी। सुन, चांदी का चबूतरा और चबूतरे पर चील और एक लंगड़ा पैदल दौड़ा 80-90 मील। बोला सारा रा रा। हस बे, अबे हस। हस ददू, ददू। क्या हुआ? वो बच्चा हाथ से निकल गया। ससुरे, जन्म के कमबख्त और नाम बख्तावर, तन पे नहीं लगता और पान चाही कलकत्ता। एक चिल्लर को 500 रुपए के नोट नहीं धर पाए। तुम लोगन की वजह से अंगार सिंह के पिछवाड़े लग गए। अंगार उल्लू के जमाई, गधे के नाती, एक चीटी को नहीं धर पाए घोड़े जैसे हाथी। इसीलिए आज से बंद तुम लोगन का सब्जी पूड़ी। अब बच्चों के संग बैठ के बनाओ चोड़ी और पहन भी लेना। अब बोला सारा रा रा। तत्तू, एक तूठो सिर हम भी छोड़ूंगा। छोड़ा जेके सीने में न हो एक भी बाल, ओका नाम है अंगार, उससे सारे रहो होशियार। बोलो सारा रा रा। सारा रा रा। अरे जिसके लिए मचा पूरा शहर में खलबली, ऊ मिला अंगार की गली। कृष्णा भाग, कृष्णा भाग, पकड़ो इस चिल्लर को। कृष्णा भाग, कृष्णा भाग, चल चल चल। लौट के बुद्धू घर को आया और साथ में बोनस भी लाया। चल हम तोरा को माफ किए देते हैं। दादा, ये वो ही बच्चा है जिसने हमारा दूध का धंधा बंद करा दिया है। चल जा। चूजे की जान, मुर्गे की बांग।
बोल सा रा रा रा। इसको भी काम सिखा, चल लग जा काम पे, चल। मैं यहाँ काम करने नहीं, इन बच्चों को छुड़ाने आया हूँ। का बोला बे? तने फिर से बोल। मैं यहाँ पे इन बच्चों को छुड़ाने आया हूँ। आजाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस है का? नहीं, मैं कृष्णा हूँ। कौन है? कृष्णा। कृष्णा। अगर तू कृष्णा है तो हम कौन है? कौन? सुना कंस? अभी कलियुगिया कंस खत्म करेगा तहरा बंस। बोल सारा रा रा। अरे वाह, ई कन्हैया के पास तो बांसुरिया भी है। हाँ, किशन कन्हैया ताता धैया, बंसी बजैया। हाँ, अभी बंसरी तो हम बजाएंगे भैया। जब जब धरती पर कंस आएगा तब तब कृष्ण स्वयं चले आएंगे। अंगार सिंह पेद्दी के हमला नाम लेता है। कंस मामा, कृष्णा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। की सातों संतानों को मैंने ही मारा है, अब तेरी बारी है। अरे तत्तू, अरे बद्दू, सदरा तू कहाँ मर गया था रे? अरे कहाँ बताए तत्तू, वो फिल्म की हीरोइन है ना कैटरीना कैफ। लगता है आपको तो पूरे ही कर दिया सारा। रुको, कहाँ जा रहे हो? Ah!
कहाँ गया ससुरा? अरे कहाँ गया ससुर का नाती? कहाँ गया? कृष्णा, तुझे मेरी शक्ति का पता नहीं, अभी दिखाता हूं तुझे, देख। कहाँ गया कृष्णा? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया कृष्णा? कहाँ गया कृष्णा? ये क्या देख रहा हूँ मैं? एक मिनट भाई, हमारे पास दो चार कृष्णा नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि सिर्फ एक ही कृष्णा है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अरे पहले हम कृष्णा से तो बात करें, फिर ही हम कुछ बता पाएंगे। और कृष्णा किसके साथ जाएगा ये कृष्णा ही डिसाइड करेगा। थैंक यू कृष्णा, तुम्हारी वजह से अंगार सिंह पकड़ा गया। अब तो मिलवा उससे। किससे? अरे ऋतिक, ऋतिक। फिर से ऋतिक, सच बोलू कृष्णा, मैं उसे अभी भी नहीं मिलवा सकता। तब तो एक बार फिर मुझे तुमसे कट्टी करनी पड़ेगी। देखो कृष्णा, प्लीज समझने की कोशिश करो, ऋतिक बहुत बड़ा स्टार है, बहुत 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 बड़ा। वो पता है मेरे घर भी नहीं आएगा, किसी के घर नहीं जाता वो। हाँ ऋतिक रोशन, बेन ऋतिक रोशन, बेन, अरे टेम्पो क्रिसमस, क्रिसमस, अरे बच्चों आजा आजा, ऋतिक रोशन है। अरे कहाँ तो बेन, कैसे हो? अच्छे हैं जी, नमस्ते नमस्ते। कंग्रेचुलेशंस, आप और आपका आश्रय कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी आपके आश्रय के साथ जुड़ना चाहता हूँ और एक छोटा सा डोनेशन लाया। अरे आप यहाँ आए, यही सबसे बड़ा डोनेशन है हमारे लिए।
दरअसल हमारे आश्रय को पैसे से ज्यादा प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। थैंक्स कि आप जैसे सुपरस्टार आज आए यहाँ हमारे पास, है ना? असली सुपरस्टार तो आपका कृष्णा है। जो काम उसने किया वो तो शायद हम सिर्फ स्क्रीन पर ही कर पाते हैं। क्या बात है? मैं मिल सकता हूँ उसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। नट्टू भाई, नट्टू भाई, कृष्णा कहाँ है? मने तो विश्वास नहीं हो तो मैं ऋतिक रोशन, क्या मैं आपको छू सकता हूँ? हाँ। हेलो, सच्चे सच्चे ऋतिक रोशन, कृष्णा, कृष्णा, ए कृष्णा, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तुझसे मिलने ऋतिक रोशन आया आश्रय में। ऋतिक रोशन, चलो चलो चलो। ऋतिक रोशन, अरे बस बस, एक के बाद एक। कृष्णा, कृष्णा, वेल डन यार, असली हीरो हो तुम। कैसे किया सब? कृष्णा के हेल्प से। कृष्णा इसी तरह तुम्हारी हमेशा हेल्प करता रहे। वी आर प्राउड ऑफ यू। एक मिनट अंदर चलोगे? ओके, नो प्रॉब्लम। कृष्णा मुझसे अकेले में कुछ कहना चाहता है, तो हम अभी आए। या चलो। अरे हाँ कृष्णा, बोलो क्या कहना चाहते हो? ऋतिक, तुमसे कृष्णा मिलना चाहते हैं। मिल तो लिया तुमसे। अरे मैं उस कृष्णा की बात कर रहा हूँ, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ। स्वीट, तुमसे मिल लिया, समझो उनसे मिल लिया। नहीं ऋतिक, सच्ची भगवान से कृष्णा तुमसे मिलना चाहते हैं। अरे आप कहाँ हो, आओ ऋतिक से मिलने। इतने दिनों से ऋतिक से मिलना है करके मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब जब ऋतिक आ गए हैं, तो फिर उनसे मिल तो लो। कृष्णा कम, लेट्स गो। नहीं एक मिनट, देखो कृष्णा, ऋतिक जा रहे हैं, फिर बोला मत कि ऋतिक से नहीं मिलाया। कटी कटी कटी। ऋतिक, आप? हाँ, सच कहा कृष्णा ने, मैं तुमसे सचमुच मिलना चाहता था। मिलकर अच्छा लग रहा है तुमसे। तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारा फैन बन चुका हूँ। पूरी दुनिया आपकी फैन है प्रभु। मैं भी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे दर्शन दिए। बस इसी तरह आप मेरे साथ रहें, यही चाहता हूँ। मैं हमेशा उनके साथ होता हूँ जो सच के साथ होते हैं, और मैं हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फलहेतुर्भुर्मा ते संगो त्वकर्मणि। थैंक यू ऋतिक, तुम मेरे फ्रेंड से मिलने आए। थैंक यू, तुम मुझे बोल रहे हो? थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। आज तुमने मुझे उससे मिलवा दिया जिससे लोग सात जन्मों की तपस्या के बाद भी नहीं मिल पाते। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। इतनी देर हो गई, क्या बातें कर रहा है हमारा कृष्णा? हाँ बेन, मैं देख कर आता हूँ। बेन मैं देखता हूँ। नहीं नट्टू भाई, क्या बातें हो रही थी, बोर तो नहीं कर दिया ना इसने? बिल्कुल नहीं, इसने तो आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। अरे बाय कृष्णा। अच्छा कंदब, पछी कह रहे हो शो, मतलब आप फिर कब आएंगे? जब मेरा फ्रेंड बुलाएगा तब। सी यू। बाय 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 बाय
बाय वापस आना फिर कांताबेन, हमें माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। प्रायश्चित करना चाहते हैं अपनी भूल का, कृष्णा को वापस ले जाना चाहते हैं अपने साथ। मना मत कीजिएगा, आखिर हम ही तो ले गए थे ना कृष्णा को सबसे पहले अपने साथ। कृष्णा पर सबसे पहला हक हमारा ही तो बनता है ना बेन। चलोगे बेटा हमारे साथ अपने घर? लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि बेन ने मुझे पाला है, और वो भी प्यार से पाला है, जैसे कि कृष्ण भगवान को यशोदा माँ ने पाला था। बेन मेरी यशोदा माँ है, और मैं अपनी यशोदा माँ को छोड़ के कभी नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं। नहीं जाऊँगा मैं अपनी यशोदा माँ को छोड़ के कहीं भी नहीं, नहीं जाऊँगा माँ को छोड़ के। कृष्ण कृष्णा, माँ अब रो क्यों रही है? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं कृष्णा, मैं रो नहीं रही हूँ, यह आंसू तो बस खुशी की वजह से है। जस्ट लाइक दैट, जिस माँ का तुझ जैसा बेटा हो वो भला क्यों रोएगी? अरे क्यों, मजा आया ना? कृष्णा है तू, कृष्णा है तू।
स्टैंड अपना तो उतना ही है।